एक और बात मैं चाहूंगा कि आप समझाएं हमारे व्यूअर्स के लिए, अपने निवेशकों के लिए, कि एक ये व्यू आता है कि जो लार्ज कैप यूनिवर्स है कंपनीज का, मेगा कैप यूनिवर्स है, उनको शायद 7-7.5% 7% बड़ी जीडीपी ग्रोथ की आवश्यकता है अपनी ग्रोथ के लिए, लेकिन जो मिड और स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो एक्चुअली रिलेटिवली लोअर जीडीपी ग्रोथ में भी उतना ही फ्लरिश कर सकती हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ से उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा लिंक नहीं होता है, तो वो रिलेटिवली कम ग्रोथ इन्वायरमेंट में भी एक्चुअली फ्लरिश कर जाती हैं। इसके व्यू के ऊपर आप क्या कहेंगे? सी जनरली आई थिंक एक ऐसा, यदि हम इसको मैथमेटिकली वी ट्राई टू सॉल्व, जो मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनकी जो टर्नओवर है वो लार्ज कैप के मुकाबले कम होती है इन टर्म्स ऑफ द एब्सोल्यूट नंबर, और उस नंबर पे हाई ग्रोथ करना इन अ लेट्स से नॉर्मलाइज्ड एनवायरनमेंट उनके लिए उनकी पॉसिबल होता है। तो इसके चलते ऐसा एक एजम्पशन है कि जो मिड और स्मॉल कैप कंपनीज हैं यदि उनके साइकिल पॉजिटिव हो तो अपने पॉजिटिव साइकिल में वो लार्ज कैप को आउटग्रो कर सकती है, क्योंकि उनकी साइज स्मॉल है, सो परसेंट ग्रोथ उनमें ज़्यादा आने की क्षमता बनी रहती है। बट कई साल हमने ये देखा कि तकरीबन मिड कैप्स और लार्ज कैप्स ने एक तरीके की ग्रोथ दी है, बट उनमें वो कुछ कुछ साल ऐसे आएंगे जब ये आउटग्रो हो जाएंगे और उस वक्त वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। बट आई थिंक ये ओवर द लॉन्ग पीरियड आई वुड इमेजिन दैट, ये जो आपने बात कही उसको मैं मानता हूँ कि जो इनमें क्षमता है हाई ग्रोथ रखने की डिस्पाइट एनवायरमेंट, आई मीन नॉट डिस्पाइट एनवायरमेंट, एनवायरमेंट यदि नॉर्मल रहे तो ये कंपनीज अपने ठीक ठाक आउटग्रो करने की क्षमता रखती है, इसलिए आई थिंक इनमें पोटेंशियल ज़्यादा होती है। और हम पिछले 10 साल का डेटा भी देखें तो हम देखेंगे कि स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी हैज़ आउट परफॉर्म्ड लार्ज कैप्स एज अ कैटेगरी। सो आई थिंक टाइम होराइजन सबको अपना थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 साल बीच में ऊपर नीचे हो सकता है। जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल मैं समझता हूँ।